और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, विज्ञापन एजेंसियां भी झूठे विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष के बयान पर नोटिस जारी किया है। भ्रामक विज्ञापन मामला सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को जवाब मांगा है। जो कंपनियां इसका एडवर्टीजमेंट कर रही हैं वो विज्ञापन कंपनियां भी जिम्मेदार हैं अगर किसी तरह की एजेंसियों की तरफ से झूठे विज्ञापन किए जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और 14 मई को इस मामले में जवाब मांगा क्या है, तो भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। विज्ञापन एजेंसियां भी झूठे विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार हैं।